Hello, dear students. I welcome you back on CA Lateef's Academy. In today's lecture, I am going to start the course of Modern Algebra. Before we start the main component associated with the Modern Algebra, I mean group theory, ring theory, and field theory, I will tell you something about number theory, because number theory is also a very important component of this modern algebra. In order to tackle the topics in modern algebra, it is imperative on us to get acquainted with the concept of number theory, because there are many of functions like you must have heard about Euler's phi function. It has its use in this modern algebra. Then we have tau function. So all these concepts, they have their origin in the number theory. So इसलिए सबसे पहले हम number theory पढ़ेंगे. तो number theory पे थोड़ा सा हमारा hold बनेगा. उसके बाद फिर modern algebra में बहुत सारे topics ऐसे हैं जहाँ पे number theory का direct use होता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए कि जो आपका नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के साथ आप सब परिचित होने चाहिए. नंबर सिस्टम के बारे में आपको सुध-बुध होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम जो हमारे पास है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है. इसी तरह से बाकी जो हमारे नंबर सिस्टम है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. तो ये सब चीजें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है. देखिए, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है. और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, इसमें आप देखिए हर नंबर जो है x प्लस आई वाई की तरह का होता है. ये आयोटा, इसको आयोटा भी पढ़ते हैं. ये जो आयोटा है, ये अंडर रूट माइनस वन होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. तो यहाँ पे ये जो पार्ट आयोटा के साथ होता है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का. और जो ये एक्स होता है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट. ये दोनों एक्स और वाई जो है ये रियल नंबर ही होते हैं. तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है. उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बाद जो इससे छोटा नंबर सिस्टम है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स. तो इसमें आपके रैशनल्स और इरेशनल्स होते हैं. अब मैं ये यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि रैशनल्स और इरेशनल्स क्या होते हैं, बिकॉज आई सपोज आई कैन सेफली अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू आर वेल इक्विप्ड विद ऑल दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब रैशनल नंबर्स फर्दर जो है ये फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं. और इंटीजर्स फर्दर जो है ये किस किस से मिलके बने होते हैं? इसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सिंगलटन आपका जीरो होगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इन तीनों की यूनियन जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स योर सेट ऑफ इंटीजर. इसके अलावा कुछ नोटेशंस हैं जो आप बच्चों को पता होगी, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम स्क्रिप्ट इस तरह से, ये एन, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम, बिकॉज ये कॉमन एन नहीं है, बल्कि थोड़ा बोल्ड होता है, लेकिन बोल्ड लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए हम इसको इस तरह से, ये सपोर्टिंग प्लान, हम यहाँ पे इसको ये जो डबल लाइन दे देते हैं. इसी तरह से जो जेड है, ये इंटीजर्स को जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं. एक और टर्म यूज होती है मैथमेटिक्स में, दैट इज कभी कभी कभार हम यूज करते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स. तो परेशान नहीं होना है, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं आपके? इसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी आपके जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और साथ में आप उसमें जीरो को भी इंक्लूड करो तो वो क्या बन जाते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स. क्या आप दूसरी तरह से, आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो आपके नेगेटिव नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपके हो जाएंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स, जिसमें आपके जीरो से लेकर जीरो भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे. अब सबसे छोटा नंबर जो है वो आपका नेचुरल नंबर है.
it is properly contained in set of integers, which is in turn properly contained in set of rational numbers. Set of rational numbers is properly contained in set of real numbers, and set of real numbers is properly sitting inside the set of complex numbers. अब यहाँ पे देखिए जो set of natural numbers है ये दिया गया है, this is 1, 2, 3, set of integers ये है आपका set of rational numbers. आइए अब directly हम बात करते हैं 1-1 map क्या होता है. देखिए इससे पहले कि मैं आपको 1-1 और R2 map के बारे में बताऊं, और मैं ये आपको बताऊं कि ये 1-1 R2 map हम इसमें कुछ टिपिकल केसेस को हम डिस्कस करें, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन जो कि मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोशन है, ये कहां से ओरिजिनेट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन. तो ब्रीफली आप मेरी तरफ अपना ध्यान रखिएगा. देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन कैसे जनरेट होता है. देखो सबसे पहले हमारे पास दो सेट्स होते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी, तो हम ए और बी के बीच में रिलेशन की बात करते हैं. तो दो सेट्स अगर ए और बी हैं, इनके बीच में जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो बेसिकली मैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सपोज. तो मैं क्योंकि इंटरेस्टेड हूँ रिलेशन बिटवीन ए और बी में, तो बेसिकली क्या रिलेशन हो सकता है ए और बी के बीच में, जब वन किसके साथ रिलेटेड, ए के साथ रिलेटेड हो सकता है, बी के साथ रिलेटेड हो सकता है, टू ए के साथ रिलेटेड हो सकता है, बी के साथ रिलेटेड हो सकता है, थ्री ए के साथ रिलेटेड हो सकता है, बी के साथ रिलेटेड हो सकता है. तो कुल मिला के जब मैं इनके बीच के रिलेशन की बात करूंगा, ऑल द पॉसिबल रिलेशन को ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो वो क्या क्या होगा आपका, ये हो सकता है वन ए के साथ हो सकता है, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर वन ए, वन बी के साथ जा सकता है, इसी तरह से टू ए के साथ, इसी तरह से टू बी के साथ, इसी तरह से थ्री ए के साथ और थ्री बी के साथ. तो इस तरह से ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए और बी का. अब रिलेशन क्या होता है ए और बी के बीच में, ये तो हो गया सबसे बड़ा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ऑल द पॉसिबल रिलेशन दैट वी कैन हैव बिटवीन ए एंड बी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी कहते हैं. अब मान लीजिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें कोई फैमिलीज हैं दो, उनके बीच में अगर हमें रिलेशन देखना है तो ऑब्वियसली उसमें हम क्या देखेंगे, सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं. प्रैक्टिकली अगर आप देखें, सपोज अगर आपके पास दो फैमिलीज हैं, फैमिली वन एंड फैमिली टू, और मान लीजिए फैमिली वन में आपके पास पर्सन पी वन है, पी टू है, पी थ्री है, और फैमिली टू में आपके पास पर्सन सपोज इसमें आपके पास जो पर्सन हैं वो पी वन इस कलर के मिले, तो पी वन पी टू पी थ्री. अब मैं इन दो फैमिलीज के बीच में जब रिलेशन देखूंगा तो इनके बीच में रिलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब इस फैमिली का कोई मेंबर इस फैमिली के किसी मेंबर के साथ रिलेटेड होगा, तभी हम इनके बीच के रिलेशन की बात करेंगे. और सपोज मैं अगर एक मेंबर यहां से ले रहा हूँ पी वन और एक ले रहा हूँ पी फोर, और मैं दो को ऐसे जोड़ रहा हूँ पी वन पी फोर, तो आप मुझे बताइए क्या ये रिलेशन दिखा रहा है एफ वन और एफ टू के बीच में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक मेंबर तो एफ वन का है लेकिन दूसरा पी फोर जो है वो एफ टू का है ही नहीं. That means this is not showing the relation between F1 and F2. तो बिल्कुल इसी तरह से जब भी हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स देते हैं तो नॉन एम्प्टी सेट्स में हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि वो जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, सबसे पहले हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रिलेशन होता है ए और बी के बीच में, जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं. तो उसके बाद जब हम ए और बी के रिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. देखिए हम कोई भी इसका सबसेट लेंगे तो वो रिलेशन ही दिखाएगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में. तो जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे, दैट मींस थोड़ा सा इसको रब करता हूं, तो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे किसके, ए क्रॉस बी के,
वो सब के सब रिलेशन होंगे किनके, ए और बी के। सो मैं कह सकता हूं ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और दी रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोई भी दो सेट अगर आपके पास ए और बी दिए गए होंगे, अगर आपको ये पता करना होगा कि उनके बीच में कितने रिलेशन हैं, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए ऑलरेडी। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जिसमें सपोज एन एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। पावर सेट का मतलब द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, तो इसके पावर सेट्स में होते हैं, इसके पावर सेट में होते हैं 2 की पावर n एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि ए के अंदर कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n, यानी अगर ए में n एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसमें कितने सबसेट्स होते हैं, उसमें 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास तो नॉन एम्प्टी सेट्स है ए और बी, और हम देखना चाहते हैं कि उनके बीच में कितने रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। देखें एक है आपके पास ए, मान लेते हैं हम इसमें एम एलिमेंट्स हैं और बी में एन एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, एम इंटू एन एलिमेंट्स। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट्स होंगे, तो देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक सेट है, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एम इंटू एन। जरा याद कीजिए, जब एक सेट में एन एलिमेंट्स होते थे तो उसके कितने सबसेट्स होते थे, 2 की पावर n। वैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी भी एक सबसेट है जिसमें एम क्रॉस एन एलिमेंट्स हैं, तो जरा मुझे बताएं आप कि इसमें इसके कितने सबसेट होंगे, इसके होंगे 2 की पावर m क्रॉस n सबसेट्स, और जो इसके सबसेट्स होते हैं वही रिलेशन होते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हो, उनमें कितने रिले, अगर उनमें एक में एम एलिमेंट्स हो और दूसरे में एन एलिमेंट्स हो, तो कितने रिलेशंस हो सकते हैं उनके बीच में, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, और ए क्रॉस बी में क्योंकि एम इंटू एन एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर m इंटू n, तो इतने ही रिलेशंस होंगे किनके बीच में, दिस मच रिलेशंस वी हैव बिटवीन ए एंड बी। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेट मी टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या बन सकती है इसकी, सपोज मैं आपके पास एक सेट देता हूं आपको 1 2 3, और एक सेट देता हूं मैं आपको ए बी, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इनके बीच में कितने रिलेशंस हैं, तो सिंपली आपको याद आ जाएगा कि 2 की पावर m इंटू n था इसका फार्मूला। सो 2 की पावर m कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3, और इसमें कितने हैं, 2, सो 2 की पावर 6। सो इतने रिलेशंस बनेंगे इसके बीच में, ए और बी के बीच में। चलिए ये तो बात रही कि नंबर ऑफ रिलेशंस। अब एक्चुअल में जो चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हर रिलेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम कुछ खास किस्म के रिलेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो खास किस्म के रिलेशंस कौन से होते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक कंक्रीट एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। सपोज मैं ए लेता हूं 1 2 3, और मैं बी लेता हूं सपोज ए बी सी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा 1 ए के साथ भी जाएगा, फिर बी के साथ भी जाएगा, सी के साथ भी, इसी तरह से 2 ए के साथ भी जाएगा, बी के साथ भी जाएगा, सी के साथ भी, 3 ए के साथ भी जाएगा, बी के साथ भी जाएगा, और फाइनली सी के साथ भी जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम रिलेशन देखिए, रिलेशन बहुत सारे इसके बनेंगे, इनफैक्ट कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9 रिलेशन बनेंगे हमारे पास, विच कम्स आउट टू बी आई थिंक 512, तो इतने रिलेशन बनेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे 1 ए, दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
इसी तरह से आप आर टू ले लीजिए, सपोज आर टू आप लेते हैं 1A 3C, दिस इज अगेन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो अगेन दिस इज ए रिलेशन. बट माई कंसर्न इज दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, आई एम इंटरेस्टेड इन ए आई वुड से पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ रिलेशंस. और उन रिलेशंस की खासियत क्या होती है? उन रिलेशंस की खासियत ये होती है बच्चों कि उन रिलेशंस में जो जो भी मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लूंगा, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स को जब मैं इकट्ठा करूंगा, जब मैं फर्स्ट कंपोनेंट्स को उनकी यूनियन लूंगा, तो वो सेट ए को जनरेट करने चाहिए. और नंबर टू, उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. क्या होनी चाहिए उनकी खासियत? व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक? मैं किस किस्म के रिलेशंस में इंटरेस्टेड हूँ? एक तो ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट, देखिए आप देखिए कोई भी रिलेशन देखिए, इसमें एक तो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट को एब्सिसा कहते हैं और सेकंड वालों को हम ऑर्डिनेट कहते हैं. यानी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है कि एब्सिसा का अगर मैं यूनियन ले लूँ, जो भी मेरे पास एब्सिसे हैं उनकी अगर मैं यूनियन ले लूँ, तो वो फर्स्ट सेट को जनरेट करनी चाहिए. यानी उनकी यूनियन ए को जनरेट करनी चाहिए. और सेकेंड, जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट कंपोनेंट्स They should not repeat. आइए देखते हैं कि ये characteristic क्या इन relation में है. अभी आपको चीजें clear हो जाएंगी. Let me tell you here. देखना, ये भी relation है ना, A और B के बीच में. तरफ first component को इकट्ठा कीजिए, 1, 3. क्या बना आपके पास? Set 1, 3. लेकिन set A क्या है? 1, 2, 3. इसका मतलब हम इस किस्म के रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है. अब मैं एक दूसरा रिलेशन लेता हूं, सपोज मैं एक R3 रिलेशन लेता हूं. किस तरह का? 1A 2A और 3A. इसमें देखिए क्या ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. इसमें देखना, 1, 1, 2, 3. इसका मतलब तीनों को आप ऐड इकट्ठा कीजिए, 1, 2, 3. दैट मीन्स फर्स्ट सेट जनरेट हो गया. बिल्कुल. अब क्या फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहे हैं? 1 एक ही बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है. इसका मतलब दूसरा करेक्टरिस्टिक भी सेटिस्फाई हो रहा है. दैट मीन्स ये रिलेशन जो है, ये वो रिलेशन है जिसकी हमें तलाश थी. तो ये करेक्टरिस्टिक्स जिस रिलेशन के अंदर पाई जाती है, उसी रिलेशन को हम कहते हैं, शाबाश, क्या कहते हैं? विल टेल मी, आप इसे जिन बच्चों ने कहा मैं उन्हें कॉन्ग्रेट्स कहता हूं. ऐसे रिलेशंस को बच्चों हम कहते हैं फंक्शन. ऐसे ही रिलेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फंक्शन बिटवीन ए एंड बी. इसी को क्या कहते हैं हम? फंक्शन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन बिटवीन ए एंड बी. इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसको हम लिखते हैं ऐसे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. सो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन ही होता है ए और बी के बीच में, जिसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है वो ए को जनरेट करते हैं, और जो सेकेंड सॉरी जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए. अब फंक्शन के केस में आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी आपको ऑलरेडी पता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूँ. ये जो सेट होता है इसको डोमेन कहते हैं, ये जो होता है इसे कोडोमेन कहते हैं, और कोडोमेन के अंदर भी एक सेट होता है. कोडोमेन के अंदर भी एक सेट होता है, वो मुझे आप कमेंट में कहेंगे वो कौन सा सेट होता है, उसका नाम क्या है. और मैं आपको बताता हूं, उसकी खासियत ये होती है कि वो उस सेट के एलिमेंट्स फंक्शन, वो बेसिकली वो इमेजेस होती हैं इस फंक्शन की. तो वो कौन सा सेट बनाती है वो आप कमेंट में मेंशन करेंगे. तो हैविंग डिस्कस्ड the concept of function, I thought this was very important concept, and I feel like most of the teachers, when they are teaching the students at 12th standard the concept of function, they do not treat function at this minute level, and it is very important to treat function at this much minute level, so that the concept of function becomes very much clear to us. And as you know that the whole real analysis owes its existence to this concept of function. Not only real analysis, but the whole mathematics in some sense is
related to this concept of function. Whenever we discuss about continuity, there is function. When we discuss about differentiability, there is function. When we discuss about determinants, there is function. Whenever we discuss about many things in mathematics, this is in some sense a function. So that's why I felt like I should discuss the concept of function in a bit detail. तो फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है. अब फंक्शन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन जो है कुछ टाइप्स होती हैं फंक्शन की, और वो टाइप्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइप्स आप बच्चे अच्छे से करते हो. बस जो चीज आप बच्चे छोड़ देते हो वो चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी. तो आइए अब हम आगे चलते हैं. आगे चलते हैं हम. अब फंक्शन की टाइप्स होती हैं. फंक्शन की क्या क्या टाइप्स होती हैं? फंक्शन जो है ये वन वन भी हो सकता है, ये ऑन टू भी हो सकता है, ये इन टू भी हो सकता है, और ये वन वन ऑन टू भी हो सकता है जिसको हम बाइजेक्शन कहते हैं. इसी तरह से जो आपका ऑन टू फंक्शन है इसको सर्जेक्शन कहते हैं. जो आपका वन वन फंक्शन है इसे हम इंजेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. और आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं फंक्शन की टाइप्स, आप सब आप बच्चे इनको अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं. तो अब हम वापस जो है नंबर थ्योरी की तरफ जाते हैं, और वहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ वन वन नेस को थोड़ा सा देखेंगे कि उसके टिपिकल केसेस जो है वो क्या हो सकते हैं. देखिए, जनरली जो फंक्शंस हम देखते हैं बिटवीन रियल नंबर्स देखते हैं हम फंक्शन, इसी तरह से बिटवीन इंटीजर एंड रियल नंबर्स, इसी तरह से हम इंटीजर्स और नेचुरल नंबर के बीच में. सो दैट इज क्वाइट अ रूटीन एक्सरसाइज. बट वेन एवर वी इफ वी आर गिवन ए फंक्शन बिटवीन द ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, तो उस केस में हम किस तरह से फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर सकते हैं, वही मैं आपको अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में बताने वाला हूं. सो लेट्स सी टू दैट. तो देखिए, अब हम देखते हैं कि फंक्शन वन वन कब होता है. एक फंक्शन वन वन कब होता है? ए फंक्शन बिटवीन ए एंड बी, एंड यू नो व्हाट इज ए फंक्शन बिटवीन ए एंड बी, हैविंग डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. एक फंक्शन वन वन तब होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होती हैं, या उसी को हम दूसरी वे से कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम जेड और जेड के बीच में देखना चाहते हैं, एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो हमें देखना है क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं. तो देखिए, वन वन अगर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई शुड इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई. लेकिन मुझे पता है कि एफ ऑफ वन भी वन वैल्यू देता है और एफ ऑफ माइनस वन भी वन वैल्यू देता है. इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, लेकिन वन और माइनस वन थोड़े ना इक्वल होते हैं, तो बाई दिस डेफिनेशन दिस फंक्शन इज नॉट वन वन. लेकिन अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस इंटीजर की जगह मैं नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ, तो ये वन वन हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी पॉजिटिव नंबर और उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी वहीं जा रहा था और उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट भी वहीं जा रहा था. तो अगर मैं नेगेटिव काउंटर पार्ट्स को अलग कर दूं वहां से और मैं क्या ले लूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, और इस तरह से ये फंक्शन जो है ये वन वन हो जाएगा. आप वैसे भी देख सकते हैं, वन विल गो टू वन, टू विल गो टू फोर, थ्री विल गो टू नाइन, फोर विल गो टू 16, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, और ऊपर आप देख रहे थे कि वन की भी वन थी, माइनस वन की भी वन थी, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैड सेम इमेज, सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन वाज नॉट वन वन. अब आइए इस पे, ये जो जेड टेन है, अब यहाँ पे इस फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये जेड टेन क्या होता है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने इस जेड टेन को पढ़ा होगा, लेकिन जेड टेन को हमें फिर से दोबारा से पढ़ना होगा. तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ. कल के लेक्चर में हम जेड टेन के बारे में पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें जेड टेन को हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इन फंक्शंस, जो ये फंक्शन जेड जेड एन के बीच में होते हैं, उनके केस में हम वन वननेस को कैसे
डिस्कस करते हैं. सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.